दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केवीएन यूनिवर्सिटी, बीएनआर पीयू कॉलेज, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। उमर खालिद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उभरते हुए कायद को, एक उभरते हुए लीडर को और एक दलित को, दलित की सेवा करने वाला, तमाम स्टूडेंट की आवाज़ को उठाने वाला एक ऐसे नौजवान को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करके उनको हैरेस्ट कर रही है। इसके खिलाफ आज हमने डीसी साहब के ज़रिए से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम हम रवाना कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं कि उन्हें, वो बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेस जो आपने लगाए हैं कोई ऐसे चार्जेस साबित नहीं होते। आप इंक्वायरी कीजिए और फौरी उनको जो है ना रिहा कीजिए, ये हमारा मुतालिब। जिस तरह आज WPI की जानिब से गुलबर्गा के तमाम तंजीमें और जमातें मिलकर उमर खालिद की रिहाई के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ऐसा हर हिंदुस्तान के हर मुल्क में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब जब अगर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ मुसलमानों पर ही पहले हो रहा है। आए दिन एहतजाज करते रहेंगे, अगर आज उमर खालिद पर हुआ कल हो सकता है अगर हम भी हक के लिए बात करते हैं तो हम आपको भी अरेस्ट करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमारे नस्लों पर जो बुराई छा रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करती हूँ, जल्द से जल्द उमर खालिद को रिहा किया जाए। मुल्क भर में दिसंबर के महीने में हुए एहतजाज CAA NRC को लेकर जो आवाम में परेशानियां चल रही थी, जो खौफ और हरास का मामला चल रहा था, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले उमर खालिद जैसे कई सारे लोगों को आज हिरासत में लिया गया है UAPA के चार्जेस पे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए गुलबर्गा में आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाज दर्ज करवाने के लिए DC साहब के पास यहाँ पर तमाम तर दीगर तंजीमें भी यहाँ पर आई हैं, पार्टीज़ भी आई हैं। मैं वी द पीपल के स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये एक साजिश है। CAA के सपोर्ट में एक रैली में उसने DCP को सामने साथ में रखकर, DSP को साथ में रखकर ये बात कही कि अगर ट्रंप के जाने से पहले एहतजाज ख़त्म नहीं होते हैं तो हम सड़कों पर उतर आएंगे और इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसको तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किसको किया? उन लोगों को जो एहतजाज कर रहे थे, वो अमन पसंद लोग जो एहतजाज कर रहे थे उसमें एकेडमिशियंस थे, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स थे, उसके अंदर पोएट्स थे, उसके अंदर हर तरीके से मजलूम तबके के ताल्लुक से आवाज़ उठाने वाले लोगों को आज हिरासत में लिया जा रहा है। ये RSS की, BJP की और BJP के जो अंदर हुक्मरान हैं वो लोगों की एक सोची समझी साजिश है। होम मिनिस्टर के डायरेक्ट मातहत आती है दिल्ली पुलिस, ये हुक्मरानों की साजिश है। हम इसके खिलाफ सख्त मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ जब जब हमें आवाज़ उठानी होगी हम जरूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जिंदाबाद उमर खालिद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमर खालिद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, KVN यूनिवर्सिटी, BNR पीयू कॉलेज, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।